बड़ा लाड आ रहा है तुम्हें, और सुबह जो बुखार चढ़ा हुआ था वो किधर चला गया? पता नहीं कब उतर गया। सब छुट्टी के बहाने हैं। नहीं अम्मी, मैं कभी भी स्कूल से छुट्टी करने के लिए बहाने नहीं बनाती। और आपने सुबह खुद मेरा माथा चेक किया था ना? अच्छा अम्मी, मुझे आलू का पराठा बना दें। अरे तो तुम खुद बना लो बेटा। अम्मी, मुझे आलू का पराठा नहीं बनाना आता। जानती हो, माजिया इस उम्र में हर चीज बना लेती थी। तो अम्मी, शिजरत आपी को भी तो कुछ नहीं बनाना आता। अरे बेटा, वो तो लिखने पढ़ने वाली लड़की है, घर में रहने वाली होती हूँ तो वो भी सब कुछ बना रही होती। अम्मी, मैं भी पढ़ने लिखने वाली बच्ची हूँ, और शिजरत आपी कहती है मैं बहुत जहीन हूँ, अगर थोड़ी सी भी और मेहनत करूँ तो बस। बेटा, वो कहती तो बिल्कुल सही है, जरा सी भी मेहनत से हर चीज मुमकिन हो जाती है बेटा, और फिर वो तो बहुत मेहनती है। अम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी बिल्कुल शिजरत आपी जैसी बनूंगी, उन्हीं की तरह यूनिवर्सिटी जाऊंगी, उन्हीं की तरह बैग पकड़ूंगी और टीवी में भी आऊंगी। और अम्मी, जब मैं बड़ी होंगी आपने मुझे बिल्कुल शिजरत आपी जैसे कपड़े बना के देने। हाँ हाँ, जरूर। अम्मी, मैंने एक और बात भी सोची है, मैं माजी आपी जैसी मंगनी नहीं करूंगी बल्कि शिजरत आपी जैसी मंगनी करूंगी, जैसे उन्होंने किए सनान भाई से। तालीमी दर्जगाह के अंदर एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए। मतलब हद होती है यार, यूनिवर्सिटी है, कुछ तो शर्म करो तुम दोनों। निधा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे तुम तो अमेरिका चली गई थी ना? हाँ यार, अमेरिका गई थी, ऊपर थोड़ी गई थी जो वापस ना आ सकूं। कैसी बातें करते हो? वापसी का कोई ख्याल नहीं, घर से निकले हैं आंसुओं की तरह। हाय, सो स्वीट, तुम्हें कितने अच्छे अच्छे शेर सुनाता होगा ना ये। इसे शेर समझ नहीं आते। लो भाई, समझ नहीं आते तो ना आए, तुम बस प्यार से इसकी तरफ देख लिया कर। और बच्चों, मुझे तो कोचिंग के टाइम से तुम लोगों पे शक था कि दोस्ती नहीं इससे ज्यादा कुछ और है, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि एक लड़की भला कैसे एक स्टिक के सहारे चलते हुए लड़के के साथ इन्वॉल्व हो सकती है ना। नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हें पता है मुझे इतनी खुशी हुई थी जब मुझे पता चला कि तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें देखूं, तुमसे मिलूं। और शिजरत, तुमने भी बहुत बड़ा दिल किया, मतलब एक स्टिक से चलने वाले लड़के से मंगनी कर ली। वरना यार, मैंने तो ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कि रिश्ते खत्म कर देती हैं, इनफैक्ट मंगनी तक तोड़ देती हैं। क्या होती हैं ऐसी लड़कियां? सनान, हाय सनान। इस तरह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यार मैं जरा चलती हूँ, मुझे जरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है, ठीक है? आप लोग बात करो, बाय, सी यू। बाय। चलो। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मुझे नहीं याद। तो मैं याद करवा देती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। सनान, वो लड़की है। तुम बीच में मत बोलो। तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? मंगेतर थी मैं इसकी।
मंगेतर? हाँ मंगेतर। ये मेरी मंगेतर है। ना रहा बसर अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर, कैसा अंदाज है कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है हम पे क्यों फर्ज है। इसकी शक्ल देखकर लग नहीं रहा कि ये तुम्हारी मंगेतर है। जिस तरह इसने तुमसे हाथ छुड़ाया है, जिस तरह दो कदम पीछे हटे है, ये तुम्हारी मंगेतर थी, अब नहीं है। सुजत, 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 मेरी बात सुनो। तेरे रास्ते से हटो, मेरे रास्ते से हटो सिनान। एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। क्या बताओगे तुम? हाँ मैं तुम्हें बताती थी एक एक बात, क्या खाया क्या पिया, कब सोई क्या सोचा, कितनी सांसें ली कितनी बार पलके झपकी, मैं तुम्हें बताती थी सिनान इलास की किस करवट सोई हूं मैं, और तुमने कुछ नहीं बताया, तुम अब भी कुछ नहीं बताओगे। ये तो बात खुल गई ना सामने। शीतल एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब समझा देता हूँ, सिर्फ एक बार। कितने अरसे से जानते हम एक दूसरे को? हाँ कोचिंग सेंटर से ना, कितने साल हो गए बोलो, जवाब दो। इस मंगनी की कोई हैसियत नहीं थी, इसीलिए खत्म हो गई, और ये सब कुछ तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से पहले हुआ और पहले ही खत्म हो गया। आज ये मंगनी भी खत्म हो गई। हम अकेले नहीं, गम बहुत साथ है, लकीरें बहुत खाली हाथ है, मुझसे अनजान क्यों आज कल सब हुआ, बेसबब बेवजह मुस्तकिल सब हुआ, कैसा अंदाज है कैसा ये राज है, जिंदगी कर्ज है हम पे क्यों फर्ज है, नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरी इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। हेलो, कहाँ हो तुम लोग? हम ग्रोसरी करने आए हुए। खैरियत? आपने फिर उस दिन की तरह इमरजेंसी में बुलवाकर सन्नान की मंगनी का पूछना होगा। सन्नान जाए जहन्नुम में, उससे अब हमारा क्या लेना देना, यहाँ तो सन्नान की बहन ने जीना हराम कर दिया हमारा। सुमैया ने? हाँ तुम्हारी बीवी, अगर तुम्हारे साथ ही है तो उसे भी लेकर यहाँ आओ, मैं आज इस मामले को खत्म करना चाहती हूँ। जमशेद और ऐनी भी आकर बैठे हुए। अच्छा हम पहुँच रहे हैं बाजी, पहुँच रहे। बस मेरे बेटे की पसंद थी, मैंने फटाफट मान ली। सनान यहाँ आओ बेटा,
कब से आंटी तुम्हारा पूछ रही थी। ले जी आ गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जल्दी से तस्वीर दिखाओ शिजरत की, मैंने बताया ना तो यकीन ही नहीं आ रहा। दिखाओ तस्वीर। तुमने मंगनी भी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। हम बहुत नाराज हैं तुमसे। वैसे सुना है कि बहुत अच्छी और प्यारी लड़की से तुम्हारी शादी हो रही है। हाँ तो तस्वीर। सिनान, तस्वीर दिखाओ बेटा। थका हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी। मंगेतर थी मैं इसकी। बच्चे को उनके सामने बाहर नहीं लेके जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? अरे तुम्हारे बच्चे को कोई नहीं छीन रहा तुमसे। मैं सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। वो क्या हिमाकत है ये एनी। अच्छा चलो अंदर चलो, मैं खाना लगवाती हूँ। चलो अम्मी मैं आ गई। कहाँ गायब थी सुबह से? वो क्या कहती, हम वहां गए थे जहां से बीमारी खुद खैर नहीं आती, ऐसे ही कुछ कहा है ना शायर ने। ये फालतू की शायरी ना करो मेरे साथ तो बेहतर होगा। क्या बकवास करके गई थी तुम सुबह को? हाँ बकवास? कौन सी बकवास? तुम अच्छी तरह जानती हो नरमीन के मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बकवास नहीं थी, ऐलान था। क्या नाम है उसका? फराज, जो कुछ भी है। मैं उससे मंगनी नहीं करने वाली अम्मी, प्लीज। अच्छा तो फिर किससे करोगी? क्या मतलब है किससे करनी? क्या आप नहीं जानती? नहीं मैं नहीं जानती। सनान से और किससे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सनान से? उससे हम खुद रिश्ता खत्म कर चुके हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अम्मी, दोबारा से कर लेंगे। तुम्हें पता नहीं है कि उसकी मंगनी हो चुकी है? हाँ, वो तो मैंने खत्म करवा दी ना। कसम से उस लड़की की हालत देखने वाली थी अम्मी, वो तो खुद खत्म हो चुकी थी। तो मंगनी कौन सी बड़ी चीज है? अम्मी शिजरत सो गई बेटा बिना कुछ खाए पिए, कपड़े भी नहीं बदले। शिजरत, शिजरत तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? क्यों रही हो? अंगूठी कहाँ है? खुली थी ना, गिर गई होगी। अरे वो तो बहुत कीमती थी, तुम्हारी सास को क्या जवाब देंगे? गिरी नहीं है। गिरी नहीं है? तो फिर तुम रो क्यों रही हो? मैं तो समझी कि इसलिए रो रही हो कि गिर गई है। कहाँ है अंगूठी? वापस कर दी। करती किसको? सिनान को। क्यों शिजरत? बच्चों आज आप लोग छुट्टी करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं
नहीं पढ़ा सकूं। मैंने उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग की है, अभी इतना एक्सपीरियंस तो नहीं था, इसलिए जो पसंद में आया वो उठा लिया। इंशाल्लाह करते करते सब आ जाएगा। वैसे भाभी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, हम आपको सामान नहीं दे सकते। क्या मतलब नहीं दे सकते? अपना बच्चा कैसे किसी को दिया जाता है? किसी को क्यों, सगे ताया है उबैद, और तुम तो एनी बीच में मत ही बोलो ना प्लीज, ये दोनों भाइयों का मामला है। क्यों जमशेद, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, कितना सहारा दिया है मोरली फाइनेंशियली। अभी इस ऑपरेशन में भी तो सारा पैसा उबैद का ही खर्च हुआ है ना, क्या मुझे इन बातों की खबर नहीं है? सुमैया बाजी, आप देख रही हैं ये क्या कर रही हैं? पहले ये कह रही थी कि हम बहुत गरीब हैं, हम बच्चे को नहीं पाल सकते, और अब ये सब सामान, नहीं चाहिए हमें ये सब कुछ। मुझे अगर मालूम होता कि ऑपरेशन के पैसों की वापसी आप ऐसे चाहेंगे तो भाईजान मैं फिर। कितने अफसोस की बात है सुमैया, इतने छोटे दिल की हो तुम। छोटे दिल की मैं कहाँ हूँ, आप लोग हैं छोटे दिल के। एक बच्चा ही तो मांगा है मैंने आप लोगों से, वो भी नहीं दे रहे। जमशेद मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, और ना ही मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए। उबैद भाई प्लीज भाभी को संभालेंगे, ऐसी बातें करती है मेरा दिल घबराता है। सुमैया दिमाग खराब मत करो हमारा, तुम जबरदस्ती इनसे इनका बच्चा नहीं छीन सकती। रोको उबैद। सुमैया जमशेद प्लीज प्लीज मुझे मायूस मत करना, तुम लोगों के पास तो और भी दो बच्चे हैं ना। अगर मेरे पास 100 बच्चे भी होते ना तो मैं आपको नहीं देती। बैद अगर आप इन्हें रोकते तो वो रुक जाते, मगर आप क्यों रोकेंगे इन्हें? ये है ना मेरी दुश्मन, इन्होंने एनी और जमशेद को भड़काया है मेरे खिलाफ, वरना भाई भाई के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते। उबैद ले जाओ इस पागल औरत को यहां से, दिमाग खराब हो गया इसका, तमाशा मत करो मेरे घर में ज्यादा। निकलो जाओ यहां से। जी बाजी। चलो सुनिए उबैद, चलो ऐसे कहना उबैद प्लीज। उबैद सर मुझे तो बताओ, पता तो चले, अरे ऐसे कैसे वापस करती तुमने अंगूठी? अरे कोई उधार की रकम थी जो वापस करती? अंगूठी थी, अंगूठी का मतलब पता है तुम्हें? पता है मुझे, पता है अंगूठी का मतलब। अगर क्यों क्यों बताओ तो सही, बताओ तो सही। लड़ाई हुई तुम दोनों की? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। तुम नहीं चाहती लेकिन मैं चाहती हूँ, दुनिया चाहेगी। क्या जवाब दूंगी मैं? अरे सुबह तक तो सब ठीक था। तख्त को तख्ता होने में कितनी देर लगती है अम्मी, एक है ही का तो इजाफा करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं, इसलिए मंगनी को हवाई कहते हैं। कहां गई तुम्हारी दोस्ती, क्या नाम दोगी तुम जो उसके साथ बैठी हो, उठी हो, घूमी फिरी हो, खाया पिया? और बात सुनो, उन्हें अंगूठी वापस की और उसने रख ली। क्या वो तुला बैठा था? कुछ नहीं कहा उसने, बोला भी नहीं।
सनान क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ। ठीक हूँ। जब से आए हो कमरे में बंद हो और चाय के लिए भी मना कर दिया। दिल नहीं चाह रहा था, मैं अभी पी लेता हूँ चाय। अरे अभी तो डिनर का टाइम होने वाला है, अभी कैसे चाय पी सकते हो? सनान क्या बात है, क्या हुआ मुझे बताओ। हाँ मेरा दिल घबरा रहा है, सब ठीक तो है ना? खैरियत? ये तो मेरे वाली अंगूठी है जो मैंने शिजरत को पहनाई थी। उसने वापस कर दी। क्यों? यूनिवर्सिटी में नरमीन आई थी तो ना रहा बसर, अब रहा ना सबर, तन्हा जीना मुझे है ये कैसा जबर। लाइट ऑफ कर दो सईदा, रोशनी अच्छी नहीं लग रही। सही कहते हैं, मायूस लोगों को रोशनी अच्छी नहीं लगती। अगर मैं कहूं कि मैं आपके लिए उम्मीद का दिया लेकर आई हूं तो? क्यों आई हो यहां? बताया तो है उम्मीद का दिया। उम्मीद का दिया बहुत छोटा है, बल्ब, वो भी 1000 वॉट वाला, जिससे आपकी आंखें एकदम चमकदार हो जाएंगी। तुम्हारे मामू घर पर नहीं है? फिर वही बात। बताया तो है कि मैं मामू से नहीं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूं मोमानी जान। ओ, ताकि जो कसर तुम्हारी माँ ने छोड़ दी थी उसे तुम पूरा कर सको। मैं मानती हूँ कि अम्मी ने आपके साथ बहुत ज्यादती की, आपकी ख्वाहिश कुछ गलत तो नहीं थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एनी मुमानी भी फजूल की फिल्म बना रही है। अरे उनके पास 2 बच्चे हैं, एक अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी नेमत बांटने से तो और बढ़ती है, अल्लाह पाक उन्हें और दे देगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुन्ने की शक्ल बिल्कुल उबैद मामू पर मिलती है। और एक बात तो तय है कि अगर अम्मी मान जाए ना तो सब मान जाएंगे। हाँ, और अम्मी मेरी कोई बात नहीं टालती। हाँ, और अम्मी को मैं कायल कर सकती हूँ मुमानी जान। आपको सामान मिल जाएगा, लेकिन लेकिन उसके लिए आपको भी तो मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सनान से मेरा रिश्ता वापस करवाना। अरे दुनिया तो ताने मार मार कर राम जल्दी कर देगी, पड़ोसनों को तो छोड़ शहर के रास्ते तक मोहर बनेंगे। किस लड़के के साथ गश्ती करती थी? बस करें अम्मी, तलाकें भी तो होती हैं। तलाक होना और बात होती है। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी टांगें ठीक हो गई और उसने रास्ता बदल ली? नहीं अम्मी, वो ऐसा नहीं है। तो फिर मुझसे बोलो हुआ क्या है? मैं तुम्हारी तरह अंगूठी वापस कहकर बात खत्म नहीं कर सकती। भाईजान आए। आई आए।
ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा शिजात। तुम्हारे और सन्नान के रिश्ते के हवाले से पहले दिन से आज तक आफाक की, खालिद की और दुनिया वालों की जायज नाजायज बातों और एतराजात पर मैंने अपनी आंखें और कान बंद रखे। लेकिन जो कुछ आज गाजिया ने कहा मैं एक फैसले पर पहुंचा हूं बेटा। क्या सब फैसला भाईजान? गाजिया ने क्या कहा है अम्मी? क्या हुआ है? उबैद को फोन मिलाओ जल्दी से, मैं उससे बात करूं, उसे बताऊं क्या मकसद है आखिर नरमीन का ये सब कुछ करने का। फोन मिलाओ जल्दी करो। मत करें आप, कुछ मत करें प्लीज। क्यों ना करूं? अरे उबैद को पता चलना चाहिए कि उसकी भांजी के करतूत क्या है। पहले खुद भाग गई और अब रस्ते में कांटे बिछा रही है। हमारा मसला नरमीन नहीं शिजरत है, उसकी नाराजगी है। अच्छा तुम मुझे ले चलो शिजात के पास, मैं उससे खुद बात करती हूँ, सारी बात बताऊंगी कि नरमीन ने कैसे। वो किसी की नहीं सुनेगी, अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे। क्या, क्यों, कब, कैसे हुआ इसमें उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका सवाल सिर्फ ये है कि उसे बताया क्यों नहीं। टोक है वो, अंगूठी दोबारा नहीं पहनेगी। क्यों सुना, तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो बेटा? देखो मुझे लगता है कि मैंने उसे खो दिया है। ये एहसास मुझे जीने नहीं देगा। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी बात नहीं करते। देखो बेटा, अगर शिजरत ने ये फैसला कर ही दिया है तो ठीक है, तुम में भी अब कोई कमी नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मेरा मतलब है कि देखो बेटा, जो मोहब्बत करते हैं ना वो एक दूसरे की खताएं माफ कर देते हैं। अगर शिजरत, गलती मेरी है, मुझे उसे बताना चाहिए था। पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ। हेलो, किसका फोन था? कौन? शिजरत के मामू, आपने मिलने के लिए बुलाया मुझे। अच्छा फिक्र नहीं करो, ठीक हो जाएगा सब। तुम्हारी इतनी जुर्रत, कितनी बेशरम हो तुम। तुम्हें शर्म भी नहीं आई? कितनी ढिठाई से कह दिया, तुमने सोचा भी कैसे? हाँ बोलो। दिमाग से, फिर दिल ने भी तस्दीक कर दी। इसमें हम दोनों का भला है मुमानी जान। तुमने समझ क्या रखा है मेरे भाई को? हाँ निकलो, निकलो मेरे घर से फौरन। सोच ले मुमानी जान, कोई जल्दी नहीं है। कल शाम तक सामान यहाँ होगा आपकी गोद में, और ये काम सिर्फ मैं कर सकती। तुम्हारी माँ को पूछ कौन रहा है? मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं। बच्चा तो मैं तुम्हें हासिल करके दिखाऊंगी। अब अपनी शक्ल गुम कर लो फौरन यहाँ से। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा मुमानी जान, इट्स नेचुरल। टाइम है आपके पास, सोच लीजिए। बाय।
सुजीत आपी वो आए हैं, वो सन्नान भाई। सिन्हा जी, मुझे नहीं मालूम वो क्यों आया है। मैंने बुलवाया है उसे, तुम भी आओ। ये मेरी बुक रूम में रख दोगे? बैठो। कुछ मंगवाऊं तुम्हारे लिए? पानी। शिजरत बेटा पानी ले आओ। जाओ बेटा, शिजरत को भेजो। बैठो, यहां नहीं। वहां बैठो सिनान के बराबर। जी जी, अम्मी इस घर में। अरे माजिया, बेटा तुम कब आई? क्यों आप लोग मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने पर तुल गए? क्या हुआ बेटा, सब खैरियत है ना? आप तो रहने दे पोपो। और अम्मी आप सही कहते हैं खालिद, क्या वो इतने लुच्चे लफंगे थे जो उनके साथ वो सब होता था, जबकि सिनान अब क्या कर दिया सिनान ने? आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं। जाकर देखिए अंदर। अंदर? अंदर कहाँ? देखो बेटा, मैं जानता हूं दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के ख्यालात, रस्म और रिवाज। यहां हमारे अपने माशरे में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनके नजदीक हम जमात होना, ताल्लुक, दोस्ती, मंगनी हो जाना आम सी बात है। लेकिन बेटा, जिस तबके से हमारा ताल्लुक है वहां इन्हें कबूल नहीं किया जाता, बल्कि मायूब समझा जाता है। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई सन्नान। आओ आफाक, अभी मैं तुम्हें ही बुलवाने का सोच रहा था। खालिद बेटा तुम कब आए? चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा होना भी बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मोसना, मोसना, आकर यहाँ बैठो।
तुम्हारी मौजूदगी भी जरूरी है। आपकी नाराजगी बजा है, लेकिन मैं शिजरत को और आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये सब। मुझे किसी वजाहत की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूँ। लेकिन सफाई का मौका तो मिलना चाहिए। हमें किसी की सफाई की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ शिजरत उद्दूर। बेटा तबका, शहर, मुल्क या मजहब कोई भी हो, यह बात तो तय है कि मंगनी की कोई खास हैसियत नहीं है। तुम दोनों जवान हो और सबसे बड़ी बात शिजरत ने पढ़ना है। मैं इसे घर नहीं बिठा सकता और तुम्हें भी घर बैठने के लिए नहीं कह सकता। इसलिए मैंने बहुत सोचने और समझने के बाद फैसला किया है कि तुम दोनों का निकाह कर दिया जाए।